हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड केसरी। और आज हमारे साथ है मिस एशिया पैसिफिक 2013 सृष्टि राणा, जिन्होंने 49 इंटरनेशनल कंट्रीज़ को बीट करके ये पैजेंट हासिल किया। एंड शी इज़ विद अस एट तालकटोरा स्टेडियम टुडे एज चीफ गेस्ट। तो चलिए करते हैं उनसे कुछ बात। मैम, जब आपने मिस एशिया पैसिफिक का टाइटल जीता एंड यू वर क्राउन्ड बाय एन इंडियन हर्सेल्फ, व्हाट वाज द फीलिंग दैट टाइम? इट वाज द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड ऑनेस्टली, बिकॉज वहाँ पर जब आप एक कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ऊपर से जब मुझे हिमांगिनी ने आगे क्राउन पास ऑन किया, तो मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल चीज़ है, बिकॉज़ वो भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ, और हम दोनों एक दूसरे के साथ उसके बाद हमने टाइम भी स्पेंड किया एंड आई गॉट टू नो हर मच मोर। तो आई थिंक बहुत ही मेमोरेबल, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रहा है। और साउथ कोरिया जैसी कंट्री में जाके इंटरनेशनल ब्यूटीज़ के साथ कम्पीट करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आई, या फिर वॉज इट ईजी फॉर दोज 15-20 डेज? आई थिंक द हार्ड वर्क एंड एवरी थिंग दैट वॉज पुट टुगेदर बाई एवरी वन इन द टीम, मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, सब ने बहुत हार्ड वर्क किया था और सब कुछ वेल मैनेज्ड था, और सब कुछ मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस चीज़ में, क्योंकि आउटफिट से लेके हर चीज़ तक अवेलेबल था। और आई थिंक वो जो 25 दिन थे और दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों को जान पाई वहाँ पर, उनके कंट्री और कल्चर्स को, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा था वो। ओके, तो सृष्टि राणा, वी ऑल ऑफ यू नो, इज़ नाउ आफ्टर विनिंग द क्राउन, बट हु वॉज शी अर्लियर? हर बैकग्राउंड, हर फ्रेंड्स, वॉट वॉज ऑल दैट? आई वॉज प्रिटी मच द सेम, अ वेरी सिंपल गर्ल हु वॉज स्टडिंग एंड हु हैड अ ड्रीम। मुझे बस ये था कि जो मैंने सपना देखा है, मुझे वो पूरा करना है, उसके लिए मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, आई वॉज रेडी टू डू दैट। एंड आई थिंक मुझे ये प्लेटफॉर्म मिस इंडिया का ऐसा मिला था कि उन लोगों ने बहुत अच्छे से हर चीज़ का ख्याल रखा, और हर चीज़ के लिए, चाहे वो ट्रेनिंग किसी भी फील्ड में थी, उन्होंने ट्रेन किया, और डाइट से लेके जो चीज़ें मुझे पहले पता ही नहीं थी कि ये सब चीज़ें भी ध्यान देना होता है। सो आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा चेंज भी हुई हूँ एज अ पर्सन, आई हैव ग्रोन, आई हैव बिकम मोर मैच्योर, और बहुत ज़्यादा चेंजेस तो ऑब्वियसली आए हैं लाइफ में। ओके, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किसको देखकर आपने सोचा कि आई वांट टू बी मिस इंडिया और आई वांट टू विन दिस पेजेंट्स? इंस्पिरेशन हैज़ ऑलवेज बीन लारा दत्ता। आई थिंक वो मुझे बहुत ही पसंद है हमेशा से, उनकी पर्सनालिटी, उनकी ब्यूटी, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, आई थिंक वो बहुत ही एक प्योर डेफिनेशन है एक ब्यूटी क्वीन की, तो आई थिंक लारा दत्ता। तो आप हरियाणा से हैं और हरियाणा में अभी भी सेक्स रेशो गर्ल्स का जो है वो बहुत कम है, गर्ल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो उसके बारे में आपको क्या कहना? ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि उसके साथ साथ बदलाव भी हो रहा है चीज़ों में, जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं। आई थिंक आज जो सिचुएशन है वो पिछले 4-5 सालों से काफ़ी बेटर हो चुकी है, और लड़कियां अगर वो कुछ करना चाहती हैं, दे नो कि अभी हमें इसके लिए खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा, और हमको हमें इस पे मेहनत करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को, अपने आसपास के लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। सो मुझे लगता है कि वो बदल भी रहा है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी है, पूरी तरह से तो ख़त्म ऑब्वियसली नहीं हो सकता और नहीं हुई है, बट मुझे लगता है कि बेटर है पहले से। ओके, और जो गर्ल्स हमारा अभी देख रही हैं, हमें देख रही हैं, वो जो आपके जैसे बनना चाहती हैं, उनके लिए आपको कुछ कहना है? मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी ड्रीम है, चाहे वो कुछ भी बनने का क्यों ना हो, आपने ड्रीम में पूरा बिलीफ रखिए, खुद में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखिए। आप ये मत सोचिए कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, और या फिर मैं इसमें ट्रेंड नहीं हूँ, क्योंकि हर चीज़ सीखी जा सकती है, हर चीज़ की जा सकती है। और आई थिंक जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे लाइफ में, सो दैट्स वन थिंग जो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ। ओके, और हम आपको बॉलीवुड में कब देख पाएंगे? उसके लिए अभी मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, बट ऑनेस्टली मैं ट्राई कर रही हूँ फिल्म्स के लिए, एंड लेट्स सी। ओके, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर, हुम यू वांट टू वर्क विद? आई हैव ऑलवेज सेड इट्स रणबीर कपूर। ओके, यू डिडंट टेक मच टाइम इन सेइंग दैट। ओके, थैंक यू सो मच, इट वॉज सो नाइस टॉकिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।